कि बार बार वीआईपी जांच कराते हैं। सच्ची बात यह है कि इस देश के वीआईपी अधिकारी, पत्रकार, पुलिस वाले दो दो तीन तीन चार चार बार तक जांच करा रहे हैं। सरकार तो चाहती ही है, कोविड में कोरोना के नाम पर अगर घोटाला हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, आंकड़ों में बाजीगरी करके। जय श्री राम जय श्री राम चिल्लाएंगे, कोरोना हो जाएगा तो लगे अरे बाप रे बाप, अब तो जान गई। दो इस डॉक्टर क्या भाग रहे हैं, उस डॉक्टर क्या भाग रहे हैं, दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एजिथ्रोमाइसिन झोंक रहे हैं पेट के अंदर। इतनी दवा का दुरुपयोग हुआ है इस पूरे कोविड मैनेजमेंट में। एसिम्प्टोमेटिक रोगियों को इतनी दवा खिलाई गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप दोबारा तिबारा जांच करा रहे हैं तो किसी गरीब का, किसी वंचित का, किसी जरूरतमंद का, उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं जो उसके इलाज में खर्च हो सकता है। 3 महीने तक आप पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि आप 10वें दिन से किसी को इंफेक्शन फैलाने के योग्य नहीं रहेंगे, आपसे किसी को इंफेक्शन नहीं होगा। बड़ी चौंकाने वाली एक खबर मिली है, और ये खबर अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको भी अपने अगल बगल नजर आ जाएगी। आपको बताऊं कि तमाम राज्यों में केंद्र में इतना बड़ा चल रहा है पीएम केयर, जिसमें करोड़ों रुपए के फंड लिए जा रहे हैं, राज्य सरकारों की खजाने खाली हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं है। बार बार चीफ मिनिस्टर मांग रहे हैं कि मेरे जीएसटी का बकाया दो कि हम कुछ कर पाए। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि 2021 तक एक पैसा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है। मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अब क्या खुलासा है वो आपको बताता हूं पहले, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। साथियों, आपको बताऊं कि आप सबको याद होगा कि जब शुरुआत में कोरोना के रोगी मिलते थे तो उनको 20-20, 25-25 दिन अस्पतालों में बंद कर दिया जाता था। इसलिए कर दिया जाता था कि जो कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव आया है तो उसके लिए यह जरूरी था कि जब तक लगातार 2 बार निगेटिव रिपोर्ट ना आए उसको कोविड सेंटर से छोड़ा नहीं जाएगा। यह रूल था। यह ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से यह ट्रीटमेंट लॉकडाउन फर्स्ट लगने के बाद से चल रहा था देश में। आप में से हमारे जो मित्र कोविड पॉजिटिव हुए होंगे इस ट्रीटमेंट से गुजरे होंगे। होता यह था कि इन पेशेंट्स को भर्ती करके इंतजार किया जाता था, सरकारी खाना खिलाती थी गवर्नमेंट, दोनों टाइम का नाश्ता देती थी, उनकी तीमारदारी में डॉक्टर्स लगते थे, सफाई कर्मी, माने पूरा एक व्यवस्था दी जाती थी फ्री में, ये गवर्नमेंट कर रही थी। और बाद में 2 टेस्ट करके छोड़े जाते थे जब निगेटिव आ जाते थे। केवल टेस्ट करने में इनको करीब, मुझे याद है कि 4500 रुपये का एक RT-PCR होता था, टोटल कॉस्ट आती थी 13500 रुपये। एक रोगी के कोविड पॉजिटिव से निगेटिव होने में 13500 रुपये खर्च होते थे, आप सबको मालूम होगा ये। अब जो है नई गाइडलाइन में, जो सिम्टम जिन पेशेंट्स को नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, 2 तरह के टेस्ट होने लगे। एक स्लाइड से, स्लाइड का टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तब आपको भेज देते थे क्वारंटीन में, अगर निगेटिव आया तो RT-PCR कंफर्म करने के लिए करते थे कि अगर ये कहीं पॉजिटिव आ गया RT-PCR में तो इसको हम फिर क्वारंटीन में भेज देंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। निर्धारित यह भी किया गया कि 10 दिन तक कोरोना का पहला लक्षण होने के 10 दिन बाद, 10 दिन तक उसको आइसोलेशन में किया गया, 10 दिन बाद अगर 3 दिन उसको कोई सिम्टम नहीं है पेशेंट को, मान लीजिए कि मुझे कोविड पॉजिटिव में हूं तो 10 दिन मैं आइसोलेशन में रहा और 3 दिन कोई सिम्टम नहीं है तो हमें छोड़ दिया जाएगा। यह बात एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए भी हुई और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए भी हुई, मतलब जिनको लक्षण है हो चाहे लक्षण ना हो, 10 दिन अस्पताल में रहे, 3 दिन तक लक्षण फिर नहीं आया 10 दिन के बाद, आप जाइए घर, आपको दोबारा कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है। ये नई गाइडलाइन थी जिसका पालन फिलहाल दुनिया भर में
किया जा रहा है। माना यह गया कि कोरोना का कोई पेशेंट अगर उसको उससे इंफेक्शन हो गया तो 10 दिन बाद, वो 5 से 7 दिन बाद, 10 दिन तो हमने अधिक बताया, 7 दिन 10 दिन बाद किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं फैला सकता किसी दूसरे को। अगर मैं कोविड पॉजिटिव हूं और मैं अगर 10 दिन बाद आपसे मिल रहा हूं तो आप मुझसे हाथ मिलाएं, मुझे छुएं, आपको इंफेक्शन नहीं होगा, यह बात मान ली गई। लेकिन टेस्ट एक ही होता था शुरुआत में, एक टेस्ट करते थे स्लाइड से, अगर स्लाइड का निगेटिव आया तो आरटीपीसीआर। अब देखिए गड़बड़ी कहां पे हुई, ये गड़बड़ी कितनी बड़ी है, आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आप कहेंगे कि यह बात हम लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दी। हुआ ये, तमाम रोगी जो कोविड पॉजिटिव आए लाखों की संख्या में, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको लेकर के गाइडलाइन थी कि वो दोबारा जांच नहीं कराएंगे, उनमें से लगभग 80 से 85% पेशेंट्स जो हैं, उन्होंने दोबारा तिबारा जांच कराई। आपको यह बात समझ में, फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, गाइडलाइन कह रही है कि 10वें बाद से 14 दिन बाद आप आइसोलेशन खत्म करेंगे, आप ठीक हो गए, ये डॉक्टर्स का कहना है, ये आईसीएमआर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। लेकिन आपने सोचा 14 दिन बीत गए, पता नहीं मेरा इंफेक्शन गया कि नहीं गया, आप गए दोबारा जांच कराए, फिर नहीं गया, आप गए तिबारा जांच कराए, ठीक है। मतलब ये जब आप दोबारा जांच कराए और अगर पॉजिटिव आए तो संख्या 1 बढ़ गई, जबकि आप 14 दिन पहले पॉजिटिव थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो बता रहा हूं, ये बात कोई नहीं बताएगा, कोई चैनल नहीं बताएगा, कोई अखबार नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा कोई। अपने किसी डॉक्टर मित्र से पूछेंगे, वो आपको बताएगा, मेरे एनालिसिस से पूरी कई डॉक्टरों से बात करके तब मैं आपके बीच उपस्थित हूं, आपको बता रहा हूं। ये सारे डॉक्टर्स, मैं कई डॉक्टर्स से बात करने के बाद ये कह रहा हूं आपको। मतलब ये, अगर आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया तो इस बात की संभावना 60 से 70% है कि अगले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने तक आप पॉजिटिव आते रहेंगे। 3 महीने तक पॉजिटिव आ सकती है आपकी रिपोर्ट आरटीपीसीआर की, यह बात आपको पता है, 3 महीने तक आप पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि आप 10वें दिन से किसी को इंफेक्शन फैलाने के योग्य नहीं रहेंगे, आपसे किसी को इंफेक्शन नहीं होगा। इस साइंटिफिक सच को के, जो ये सच है जो कि पूरी दुनिया जानती है, इसके अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जानबूझकर कुछ नहीं किया कि कोरोना के नाम पर आंकड़ों का ये खेल चलता रहे। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमको कोविड पॉजिटिव हो गया और मुझे पता नहीं है इस बात को कि मेरा बार बस एक ही बार टेस्ट कराना है फिर घर चले जाना है। आप देखते होंगे तमाम लोग फेसबुक पे स्टेटस डालते हैं कि अब मेरा कोरोना निगेटिव हो गया, मैं कोरोना से मुक्त हो गया। कैसे पता उनको कोरोना से मुक्त हो गया, कैसे पता कोरोना निगेटिव हो गया, वो दोबारा तिबारा टेस्ट करा रहे हैं उसके आधार पर कह रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि दोबारा तिबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप जांच दोबारा तिबारा करा रहे हैं, अगर आप दोबारा तिबारा जांच करा रहे हैं तो किसी गरीब का, किसी वंचित का, किसी जरूरतमंद का, उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं जो उसके इलाज में खर्च हो सकता है। लेकिन दुकान चलनी है सरकार की, दिखाना है कि ये आंकड़े इतने बुरे हो गए, इतना पैसा खर्चा होना है, पीपी किट आना है, ये आना है, वो आना है। कोरोना पॉजिटिव रोगी को एक बार जो पॉजिटिव हो गया उसको निगेटिव के लिए जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। वो होता क्या है, जब आप जांच कराते हैं
वो तुरंत आईसीएमआर के पैनल में जाता है, एक आंकड़ा और बढ़ जाता है। आप 14 दिन के आइसोलेशन करा लिए, रहे आइसोलेशन में, दोबारा फिर टेस्ट कराए, पॉजिटिव आया, आपके पास फिर फोन आएगा कि भैया आप दोबारा, वो ये नहीं, उसको क्या पता कि आप दोबारा टेस्ट करा रहे हैं। इसका कोई आंकड़ा नहीं रहता कि दोबारा तिबारा, वो संख्या बढ़ती जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ये नंबर ऑफ केसेस दिखाई दे रहा है कि 1,00,000 बढ़ गया, 70,00,000 बढ़ गया, 80,000 बढ़ गया, दरअसल आंकड़े वो बिल्कुल नहीं है। तमाम पॉजिटिव लोग, एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव जितने भी हैं, वो दोबारा तिबारा जांच करा रहे हैं। सरकार इस बात को जानती है। जिस जांच का कोई मतलब नहीं है, उनकी वजह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, राज्य के संसाधन का नुकसान हो रहा है, देश के संसाधन का नुकसान हो रहा है, यह सच्चाई है। इस बात को समझा जाना चाहिए। मेरे कुछ अपने भी ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव रहे, और मैं जहां पे रहता हूं उसके आसपास तो लगभग जितने लोग हैं सबने तीन तीन चार चार बार टेस्ट कराया है, निगेटिव आया कि नहीं आया, नहीं आया, फिर टेस्ट कराने के निगेटिव आया कि नहीं आया। उधर नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ के दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज 3200 मिले, 3300 मिले, 3400 मिले। मालूम हुआ कि उस 3300 में 2700 ऐसे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं है, वो दोबारा टेस्ट करा रहे हैं बेवकूफों की तरह। तो आंकड़ों की इस बाजीगरी को समझने की जरूरत है। आप लोगों को फिर से बताता हूं, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो एक बात जान लीजिए। पहले एक बड़ा लोचा यह भी है, कई पेशेंट्स को यह हो रहा है कि कोविड पॉजिटिव हुए, इन्फेक्शन हुआ, वो ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत चले जाएंगे, बुखार हो गया आप चले जाएंगे कोविड जांच कराने के लिए। कुछ लोग ठीक हो गए, ठीक होने के 5 दिन 7 दिन बाद गए अस्पताल, जांच कराए, पॉजिटिव आ गए, फिर 14 दिन आइसोलेशन में चले गए। एक तो मैन पावर का नुकसान हुआ 14 दिन का, अगर देखा जाए कि 14 दिन तक वो काम किए कर सकते थे देश के, भाई मानव श्रम भी तो देश की संपदा है। तो एक्चुअल जो ये आइसोलेशन का सिस्टम है वो भी बहुत ही अपने आप में अजीब सा अपनाया गया हमारे यहां। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी हुई, ये पेशेंट्स को नहीं बताया गया कि आपको दोबारा जांच नहीं कराना है किसी कीमत पर। रजिस्ट्रेशन की ऐसी आप सोचिए, एक डॉक्टर मित्र ने मेरे, जो कि इस प्रोग्राम को देख रही है और एक कोविड सेंटर की इंचार्ज है, उन्होंने मुझसे कहा कि आवेश जी, जून महीने तक जो पैसा अब खर्च होना चाहिए था पेशेंट्स पे, सारा संसाधन जून महीने में ही खत्म कर दिया गया। जिनको कुछ नहीं था उनको भी खूब रोक रोक के खाना खिला के महीनों महीनों उनकी सारी व्यवस्था करके उनका मैंने अजीब सा दामादों की तरह अवभगत किया गया, जिसको कोई सिम्टम ही नहीं था। और अब यह हो रहा है कि वो जाके डर के मारे बार बार जांच करा रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार। अरे भैया, कोविड पॉजिटिव हो गए हो, लक्षण मुक्त हो जा रहे हो, घर बैठो, मुमकिन है कि दोबारा जांच कराओगे फिर पॉजिटिव आओगे। पॉजिटिव इसलिए आओगे कि तुम्हारे बॉडी में जो डेड सेल हैं कोविड के, वो तो मौजूद रहेंगे लंबे समय तक। वो केवल आरएनए मौजूद रहेगा, उसका ऊपर का बाहर का न्यूक्लियस तो चला गया। आप पॉजिटिव आ, चूंकि आरटीपीसीआर बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है, तो आप पॉजिटिव तो दिखाई दोगे कि रिपोर्ट में पॉजिटिव आ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपके अंदर डेड सेल है, वो मरा हुआ सेल है वायरस का, जो किसी को भी इंफेक्टेड नहीं कर सकता। आप न खुद बीमार पड़ सकते हो, न दूसरे को इंफेक्शन पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर आप दोबारा जांच करा रहे हो तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, ये बात आप जान लेना। ये तो आईसीएमआर को सोचना चाहिए था कि आंकड़ों में इतना डेविएशन क्यों आ रहा है। ये सामान्य प्रवृत्ति है, हम भारतीय डरे हुए हिंदू मुस्लिम लाख कर ले, जय श्री राम चिल्लाएंगे, कोरोना हो जाएगा तो लगे अरे बाप रे बाप, अब तो जान गई। दो इस डॉक्टर के यहां भाग रहे हैं, उस डॉक्टर के यहां भाग रहे हैं, दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एजिथ्रोमाइसिन झोंक रहे हैं पेट के अंदर। इतनी दवा का दुरुपयोग हुआ है इस पूरे कोविड मैनेजमेंट में। एसिम्प्टोमेटिक रोगियों को इतनी दवा खिलाई गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस बात को याद रखिए
कि ये गद्दारी नहीं करनी है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, आप अपने घर पे रहिए, इंतजार करिए कि अगर सिम्टम आ रहे हैं तो सिम्टम 10 दिन में खत्म हो जाते हैं कि नहीं। अगर 3 दिन तक एसिम्टोमेटिक है तो चुपचाप 14 दिन पूरा होने के बाद घर से बाहर निकलिए, जाइए, काम करिए, मास्क लगा के सारी चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए। दोबारा जांच नहीं कराएंगे, दोबारा जांच कराएंगे देश के आंकड़े बढ़े हुए आएंगे, और यह बात ठीक नहीं है। सरकार तो चाहती ही है, कोविड में कोरोना के नाम पर अगर घोटाला हो रहा है तो वैसे हो रहा है, आंकड़ों में बाजीगरी करके, पैनिक क्रिएट करके पब्लिक के बीच में। यह राज्य सरकारों को भी समझना होगा, बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये सब कॉमन जो साइंटिफिक जानकारी है पब्लिक के बीच में नहीं जा रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बताना पब्लिक को कि डरो मत, कोरोना का इतने दिन तक असर पड़ेगा। आप खोल के देख लीजिए CDC की गाइडलाइन, ICMR की गाइडलाइन देख लीजिए, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि दोबारा, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं कहेगा कि दोबारा जांच कराइए। जिसको जानकारी होगी वो कभी नहीं कहेगा जांच कराइए। देखिए अनिल पांडे सर बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि बार बार VIP जांच कराते हैं। सच्ची बात यह है कि इस देश के VIP अधिकारी, पत्रकार, पुलिस वाले दो दो तीन तीन चार चार बार तक जांच करा रहे हैं। जब तक निगेटिव ना आ जाए तब तक जांच करा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है उसकी, उसकी गाइडलाइन है कि नहीं करानी है जांच दोबारा, फिर भी करा रहे हैं। ये गलत है, आंकड़ों में बहुत बड़ी बाजीगरी है। 98% रिकवरी रेट इंडिया की, 2% मॉर्टेलिटी रेट है, 2% 1,00,000 लोगों की मौत हुई है। पूरा देश को गदम कबाहट में डाल दिया, बाप रे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कौन सा इम्यून इंडियंस के ब्लड में वो कर रहा है, मूव कर रहा है कि यहां मॉर्टेलिटी रेट कम है। और इस चीज को समझने की जरूरत है, कोविड एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, बड़ी महामारी है, लोगों की जान ले रही है, सब चीज ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गए हैं तो इस बात की प्रतीक्षा मत करिए कि लैब में जाकर के दोबारा आप निगेटिव टेस्ट को कंफर्म कर रहे हो। वो 3 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है। मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, खुद भी जा करके आप किसी भी देश की गाइडलाइन पढ़ लीजिए कोविड मैनेजमेंट को लेकर के, आपको सच्चाई पता रहेगी। देखिए बहुत साफ बताऊं, मैं फिर से कह रहा हूं, कोविड खतरनाक है और कोविड किस पर कैसे असर करता है, हर आदमी का अपना यूनिक केस है। हर आदमी का मुझ पर जैसे असर करता है ऐसा दूसरे पे असर करेगा, ये संभव नहीं है। यह सरकार जो है केंद्र की, आपको तर्कहीन, अवैज्ञानिक बनाना चाहती है। आप मत बनिए, हमेशा हर सवाल का तर्क से परे कुछ नहीं हो सकता। वैज्ञानिकता कोई भी सवाल हो उसके पीछे जरूर रहनी चाहिए, उसके बिना कोई भी सवाल बेकार का है। तो इसलिए तर्कपूर्ण बनिए, वैज्ञानिक बनिए, खूब पढ़िए, दुनिया भर के तमाम लिटरेचर्स को पढ़िए, मेडिकल साइंस में जो कोविड को लेकर आ रहा है वो सब पढ़िए, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, बेवकूफ बना दिए जाएंगे, और जब अगर आप बेवकूफ बनेंगे तो आपके पूरे परिवार में वही बेवकूफी भरी ज्ञान जाएंगे। उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खूब पढ़े लिखे। धन्यवाद।